नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ। पूरे देश में ईद के जश्न का माहौल है। 13 मई को चांद दिखने के बाद सभी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। बॉलीवुड स्टार्स भी इसमें पीछे नहीं हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश में आज यानी 14 मई को ईद उल फितर का त्यौहार मनाया जा रहा है। आम लोग नेता से अभिनेता तक लोगों को ईद की बधाई सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। बॉलीवुड सेलेब्स ने लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन के तहत ईद मनाने की सलाह दी है। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, दिया मिर्जा, आर माधवन, सुष्मिता सेन समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने फैंस और फॉलोअर्स को ईद की मुबारकबाद दी है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर अपने फैंस को बधाई देते हुए ईद की शुभकामनाएं दी हैं। अभिषेक बच्चन ने भी ट्विटर पर एक फोटो पोस्ट कर लोगों को ईद की मुबारकबाद दी है। इसके साथ ही अभिषेक बच्चन ने स्टे होम स्टे सेफ और मास्क ऑन का हैशटैग भी चलाया है। वहीं अनिल कपूर ने ट्विटर पर फैंस को ईद की मुबारकबाद दी। उन्होंने हिस्ट्री आइक्स की एक इंस्टाग्राम पोस्ट को शेयर किया। इसमें मुश्किल दौर में ताकत हासिल करने के बारे में एक सुंदर कविता शामिल है। एक्टर ने इस कविता के अंत में अपनी लाइनों को जोड़ा है। एक्टर ने लिखा कि उन लोगों के लिए प्रे करें जो अब और प्रे नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए प्रे करें जिन्हें इस कठिन समय में अधिकांश अन्य लोगों की तुलना में प्रार्थनाओं की अधिक ज़रूरत है, जिसके लिए प्रार्थना करने या साथ देने के लिए कोई बचा नहीं है। इस ईद पर हम ये करते हैं आप सभी के लिए। वहीं एक्ट्रेस सुष्मिता सेन ने फैंस को ईद की मुबारकबाद देते हुए लिखा कि रोज़ा के जरिए सभी की दुआओं मांगने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस मुश्किल समय मानवता की मदद करने के लिए भी धन्यवाद। ये दिन स्वास्थ्य और शांति से भरा हुआ हो। आपको बता दें, अक्षय कुमार ने अपने फैंस को सोशल मीडिया के जरिए ईद की बधाई देते हुए लिखा, सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, भगवान आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य और शांति दे। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।